हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थी फ्लक्स में। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप चैनल के नाम से जानते हैं कि ये एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित आपको जानकारी दी जाती हैं, जैसे कि आपको कौन सी बीमारी में किस टाइप का सिम्टम्स आ रहा है, जिससे आप उसको पहचान के उसकी जाँच करवा सकें, तथा साथ ही साथ आप कौन सी दवा ले रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके बारे में इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जाती है। मेरा जो आज का टॉपिक है वो कॉन्स्टिपेशन से संबंधित है। कॉन्स्टिपेशन को हम लोग कब्ज के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि ये जो कब्ज है, इसके बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि हर कोई कभी न कभी कब्ज से गुजरा होता है। कब्ज के अंदर क्या होता है कि जो हमारा जो स्टूल है, जो हमारी लैट्रिन है, वो टाइट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, जो हमारे एनस के द्वारा निकलने में उसको काफ़ी दिक्कत होती है। कॉन्स्टिपेशन के संबंध में मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को दे सकते हैं। तथा साथ साथ आई बटन पर भी मैंने उसको लगा दिया है, वहाँ से भी आप क्लिक करके मेरा वो कॉन्स्टिपेशन का वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया कि कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो किन किन कारणों से होता है, क्या ऐसे गलतियाँ करते हैं हम लोग कि हमको कब्ज की शिकायत होने लगती है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से आप कब्ज को हमेशा के लिए कैसे दूर कर सकते हैं। ये जो मेरे द्वारा बताया गया जो टिप्स है, उसको अगर आपने अपना लिया तो मुझे लगता है कि आपको ज़िंदगी में कभी भी कब्ज जैसी समस्या नहीं हो पाएगी। तो जब कभी हम कब्ज़ की शिकायत लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हम लोगों को सलाह देता है कि आपको ज़्यादा सलाद खाना है, ज़्यादा पानी पीना है, एक्सरसाइज करनी है, फाइबर युक्त भोजन खाना है। तो ये जो डॉक्टर जो ये सलाह देते हैं, ये बिल्कुल सही सलाह देते हैं, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, ये सलाह अपनाने के बाद भी हमारी कब्ज़ नहीं ठीक हो पाती है। तो ऐसी हम गलती आखिर क्या करते हैं, ऐसी कौन सी हम कमी कर देते हैं कि जिसके कारण हमारी जो कब्ज़ है वो ख़त्म नहीं हो पाती। तो मैं आज ऐसे ही आपको एक चार चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा आपको करने से कब्ज़ आपको हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी पुरानी कब्ज़ है, पुरानी कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं आप, तो उसको भी सही करने में बहुत ही अच्छी राहत आपको मिल सकती है। आइए शुरू करते हैं कॉन्स्टिपेशन के प्राकृतिक तरीकों के बारे में। सबसे पहले आप जब खाना खाने जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको ढेर सारा सलाद खाना है। सलाद हर कोई खाता है, लेकिन उसे खाने का तरीका नहीं पता होता है। आप खाने से 10 मिनट पहले सलाद खाना चालू करें। खाने को हम लगभग एक मान लीजिए 100% में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि जो 25% है वो हमको सलाद खाना है, तो स्टार्टिंग का जो 25% है उसमें हमको इतनी सारी सलाद खानी है। सलाद के अंदर गाजर मूली ही नहीं, खीरा खा सकते हैं, आपके जो फेवरेट फ्रूट्स हैं वो खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसका आप सलाद बना के कच्चे खा सकते हैं। तो आपको 25% तक उसको पहले खा लेना है, फिर आपका जो मेन जो मील है, जो मेन खाना है, उसको आपको खाना है। तो 50% समझ लिए आपने उसको खा लिया। उसके बाद जैसे ही खाना आपका ये मेन ख़त्म होता है, उसके बाद 25% फिर जो बचा उसमें आपको फिर सलाद खाना है। तो ये एक ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे कि सलाद फिर खाना फिर सलाद। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपके आगे एक सिक्योरिटी गार्ड है, बीच में आप हो और आपके पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड। तो ये क्या करता है, ये जो खाने के अंदर पूरा मिक्स हो जाता है सलाद के अंदर, क्योंकि फाइबर्स होते हैं, पानी की मात्रा भी होती है, तो ये आपके खाने को मिक्स करके जो आपके आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, उसके द्वारा ये जो रास्ता बनाते हैं, जो वो रास्ते को आगे क्लियर करते हुए जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि आपको कब्ज नहीं हो पाता, और आसानी से वो रास्ते क्लियर करते हुए सीधे उसका मोशन जो होता है क्लियर हो जाता है, और वो आपके एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और जो दूसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो आप खाना जो खाते हैं, ये सुबह और शाम, आजकल हमारे भारतीयों में ये सुबह खाते हैं और शाम खाते हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना है। खाने को हम लगभग 4 से 5 बार हमको डिवाइड करना है, क्योंकि अगर हम खाना इतना खा लेते हैं कि हमको या गले तक हम खाना खा के भर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमको जो पानी पीने का जो हमारी जगह बचती है, पानी पीने की बचती ही नहीं है। और भी जो हम पूरा खाना भर लेते हैं तो उसको पाचन करने में भी जो काफ़ी जो टाइम लगता है, जो उसकी गति होती है, जो मोशन के जो हमारे जो बॉल मोशन होता है उसकी जो गति होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि खाना एकदम भरा रहता है। तो आपको 4 से 5 टाइम में उसको डिवाइड करना है, थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। और जो तीसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ
तीसरी चीज़ के अंदर आपको क्या करना है, आपको बहुत सारा ढेर सारा पानी पीता है। पानी तो हर कोई पीता है, लेकिन पानी पीने का भी एक हम गलत समय यूज कर लेते हैं। जैसे कि जिस समय हमको प्यास नहीं लगती उस समय हम पानी पीना चालू कर देते हैं, तो क्या करते हैं कि हम एक घूंट या आधा गिलास या एक गिलास पानी पी के हम रह जाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद हमको भरपूर पानी पीना है। शुरुआती में आप 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद जो हम पानी पीते हैं उसको 1 घंटे बाद पीना है। तो 1 घंटे बाद जब आप पानी पीना चालू करेंगे तो जो दूसरा और तीसरा घंटा है तो उसमें आपको बहुत सारा पानी पीना है। तो इसके पानी पीने की वजह से क्या होगा, जो आपका खाना जो हमारे जो स्टमक में गया है उसके साथ साथ पानी भी जब ढेर सारा जाएगा तो वो खाने को आपको थोड़ा लिक्विडफाइंग कर देता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी जो स्टूल बनती है वो हार्ड नहीं बनती है, वो थोड़ी एकदम सॉफ्ट बनती है, तो आसानी से भी वो हमारे हाथों से पास हो जाती है। और जो चौथी चीज़ है, हम ये गलतियाँ करते हैं कि शाम को अगर हमने खाना खा लिया, खाना खाते हैं हम सुबह बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारे जो बाउल का जो मोशंस होता है वो धीमे हो जाता है। तो हमको क्या करना है कि जैसे हम लोग रात का खाना खाया, तो रात का भी अगर हम खाना खाएं तो उसमें भी जो मैंने एक जो पहली टिप्स बताई है कि उसके अंदर जैसे हमको सलाद खाना है, फिर खाना खाना है, फिर सलाद खाना है, ऐसा आपको आप जितनी बार भी खाना खाने जा रहे हैं उतनी बार आपको यही टेक्निक अपनानी है। पहले सलाद खाना है, फिर खाना खाना है, फिर उसके बाद फिर सलाद खानी है। तो इस तरीके से आपको करना है। और रात का जो हम खाना खाते हैं उसके बाद आपको तुरंत सोना नहीं है, कम से कम 15-20 मिनट आपको टहलना है। 15-20 मिनट आप टहल लेंगे तो जो हमारे जो गले के अंदर जो खाने की नली से होते हुए जो खाना स्टमक में जाता है और जो हमारे सीधे हाथों में जाता है तो उसकी गति एकदम बराबर होती है। तो क्या होता है, खाना ईजिली हमारे हाथों के अंदर पहुँच जाता है और धीरे धीरे वो अपना काम करके सीधे सीधे वो हमारे एनस के रास्ते के द्वारा शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया में लग जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो मैंने बताई, अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपको कब्ज की शिकायत तो नहीं होगी। ये प्राकृतिक तरीके से आप इसको दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पुरानी कब्ज अगर किसी को हो रही है तो उसमें आपको ये करना है कि आपको स्टार्टिंग के जो 2 दिन हैं, जैसे अगर मैं आज से आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं ये कब्ज को, जो कॉन्स्टिपेशन के संबंध में आप जो ट्रीटमेंट नेचुरल जो करने जा रहे हैं अगर वो आज से चालू कर रहे हैं, तो आपको 2 दिन तक आपको लिक्विड डाइट पर रहनी है। जैसे कि आप लिक्विड डाइट में आपको पानी पी सकते हो, जूस पी सकते हो, आप सूप पी सकते हो, और आपने दाल का पानी ले लिया, दही ले लिया, मट्ठा ले लिया, इस तरह से आपको 2 दिन तक लिक्विड डाइट पर रहना है। इससे क्या होगा कि जब आप लिक्विड डाइट पर रहेंगे तो जो आपके स्टूल जो अंदर आंतों में जो हार्ड हो चुकी है, जो आपके एनस के पहले ही जो स्टूल फंसी हुई है, जो हार्ड फंसी हुई है, उसको समय मिल जाता है, वो धीरे धीरे उसको धीरे धीरे उसको सॉफ्ट कर देती है। फिर जब 2 दिन आप जब लिक्विड डाइट पर रहेंगे उसके बाद जब आप ये जो मैंने टिप्स बताई है पहली दूसरी तीसरी चौथी, इस तरीके से आप जब इसको करेंगे तो आपको जो कब्ज़ है कब्ज़ से एकदम 100% आपको आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने कब्ज़ के बारे में बताया है, इसके जो प्राकृतिक तरीके हैं उसके बारे में बताया है, अगर ये वीडियो ज़रा भी आपको कॉन्स्टिपेशन से बचने में आपको मदद करती है तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन से बचने के आसान तरीके मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।